हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस दौर में जी रहे हैं। साफ साफ लफ्जों में आपके पूरे एहतराम के साथ अर्ज करता हूँ, अल्लाह की तरफ से छटाई का अमल तेज़ रफ्तारी के साथ चल रहा है। करोड़ों में चंद होंगे जिनको अल्लाह ईमान वाला तस्लीम करेगा, बाकी सब इस्लाम से निकलेंगे, मुर्तद होंगे, मुनाफिकीन के साथ देंगे और दज्जाल की फ़ौज में शामिल होंगे। ये इस वक्त की बात कह रहा हूँ, सैकड़ों हदीसों की रोशनी में कह रहा हूँ, यह आम ज़माना नहीं है। ये लफ्ज़ बोलते हुए मुझे तो कम से कम 20-25 साल हो गए। ये तब्दीली का ज़माना है और जब भी तब्दीली का दौर होता है तो पहले छटाई होती है। لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ یہی وہ دور کہ اللہ تعالیٰ اصلی اس مسلمان کو الگ کر دیں گے اور وہ بہت تھوڑے ہوں گے، اچھی طرح ذہن میں رکھیے، بہت تھوڑے ہوں گے اور بقیہ سارا میل کچھ ہے۔ अभी तो हम लोग सब आपस में मिलते जुलते रहते हैं, कोई नहीं पहचानता किसी को और कोई किसी को पहचान ही नहीं सकता, मगर अपने आप को हर शख्स पहचान सकता। हम दूसरों के पर नज़र रखते हैं, कभी अपने बारे में नज़र नहीं रखते। निफाक की अलामतें क्या हैं, किसे मुनाफिक कहते हैं। मोमिन कभी डरता नहीं हालात से, मोमिन कभी किसी हुकूमत से डरता नहीं है, इसलिए कि जो अल्लाह से डरता है वो कभी किसी मखलूक से नहीं डर सकता, और जो मखलूक से डरता है ये अलामत है कि उसने अभी अल्लाह को पहचाना ही नहीं, ना अल्लाह की कुदरत को पहचाना, ना अल्लाह की सिफत अदल को पहचाना, ना अल्लाह की सिफत कहारियत को पहचाना, ना अल्लाह की सिफत जुल जलाल वल इकराम को पहचाना, कुछ नहीं पहचाना, हमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं। जिसको हम ईमान कहते हैं वो ईमान नहीं है, ईमान कलमा पढ़ने का नाम नहीं है, ईमान तौहीद और रिसालत का इकरार करने का नाम नहीं है। तौहीद और रिसालत का इकरार करने का नाम इस्लाम है, ईमान नहीं है। ईमान दिल से अल्लाह को उस तरह पहचानने का नाम है जिस तरह अल्लाह की ज़ात है। कमा हुआ बेअस्माही व सिफातही, उस तरह पहचानना जैसा अल्लाह को पहचानना चाहिए। आप अपनी माँ के साथ बदसलूकी करते हैं, बेअदबी करते हैं और कोई आपसे पूछे कि आपकी कौन है, आप कहें मेरी माँ है, तो ये माँ को पहचानना हुआ। किसी जज के फैसले को आप कबूल नहीं करते, किसी अदालत के फैसले को आप कबूल नहीं करते, बगावत करते हैं। आपसे पूछा जाता है ये कौन साहब हैं, आप कहते हैं ये तो चीफ जस्टिस हैं, ये तो जज हैं। आप उनके फैसले को नहीं मानते, उनकी ताकत और पावर को नहीं मानते, उनके इख्तियारात को नहीं मानते, तो ये आपका कहना कि ये जज हैं, ये क्या मानना हुआ जज का? ऐसा जज का मानने वाला चाहे सुबह से शाम तक तस्बीह लेके बैठे, आप जज हैं, आप जज हैं, आप जज हैं, मिस्टर खन्ना आप जज हैं, मिस्टर शर्मा आप जज हैं, मिस्टर खंडवाल आप जज हैं, 1000 तस्बीह का वजीफा पढ़े हर नमाज के बाद, लेकिन अदालत का फैसला न माने, आप बताएं कौन सी जेल में डाला जाएगा? क्या उसको मुल्क के खिलाफ बगावत की सज़ा नहीं दी जाएगी? क्या देश द्रोह का मुकदमा उसके ऊपर नहीं चलाया जाएगा? आप कह रहे हैं मैं तो मानता हूँ कि आप जज हैं। कैसा मानना? अल्लाह को वैसा मानना जैसा अल्लाह को मानना चाहिए, इसको ईमान कहते हैं। और जो अल्लाह को उस तरह मानता है, अल्लाह को जानता है, अल्लाह को पहचानता है, जिस तरह अल्लाह के पहचानने का हक है, इसको ईमान कहते हैं। और ऐसा शख्स कभी खौफज़दा नहीं होता, कभी मायूस हो ही नहीं सकता। हर
हर शख्स डरा हुआ है, हर शख्स परेशान। अजीब सूरत हाल नज़र आ रही है, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और अगर मैं इस वक्त ये बात आपसे न कहूँ तो मैं गुनहगार हूँ, मैं पकड़ा जाऊँगा अल्लाह से, कि जो असल बात कहने की थी वो कहीं नहीं। तुम तो हज़रत नूह अलैहि सलाम का किस्सा सुनाने लगे, तुम तो कुत्ते का रंग बताने लगे कि असहाबे कहफ का कुत्ता किस रंग का था, तुम तो बताने लगे कि नूह अलैहि सलाम की कश्ती कितनी बड़ी और लंबी और चौड़ी थी। यही आजकल हमारे बयानात का मौजू बना हुआ है, कोई साफ बात करता ही नहीं, कोई खरी खरी सुनाता ही नहीं, इसलिए कि उसके मदरसे का चंदा बंद हो जाए। ये बिल्कुल आखिरी मौका है अपने ईमान को सही तौर पर बनाने का, लिख लीजिए कि यह आखिरी मौका है। बहुत तेज़ी के साथ अल्लाह ने निफाक को उम्मत मुस्लिमा के अंदर से मुनाफिकीन को कान पकड़ के बाहर फेंकने का सिलसिला शुरू कर दिया। मुसलमान हुकूमतें मुर्तद हो रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ मुर्तद हो रही हैं। ये इर्तिदाद की वो लहर है जिसको समझ ही नहीं पा रहे लोग।